अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सामाजिक धार्मिक संगठनों सहित सभी राजनीतिक दलों के नेता लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कहा कि शीर्ष अदालत की व्यवस्था का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। शुक्रवार को जिले के बलहेरा, गड़ी भरल, राणा माजरा, गड़ी बेसिक, जलालपुर सहित दर्जनों गांव सद्भावना मिशन के तहत लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अयोध्या मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की संभावना है, जिसे लेकर जनमानस में बेचैनी और आशंकाएं होना स्वाभाविक है। ऐसे में समस्त प्रदेशवासियों से विशेष अपील है कि वे न्यायालय के फैसले का हर हाल में सम्मान करें। यही देशहित और जनहित में सर्वोत्तम उपाय है। इसी मौके पर सुभाष चंद्र ने मुस्लिम व हिंदू समाज के लोगों को भाईचारा व आपसी सौहार्द बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी धर्म हमें मानवता का संदेश देते हैं। ऐसे में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देते हुए प्रेम प्यार कायम रखें। भाईचारा हमारा रहेगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाईचारा हमारा रहेगा तो हमारा जिला मजबूत होगा और हमारा जिला आगे बढ़ेगा। और यही बात हमारे गाँव पे भी लागू होती है। गाँव में भी भाईचारा बना रहेगा तो सब लोग मिलजुल करके रहेंगे, इकट्ठे होकर के रहेंगे। अभी वाजिद जी ने तो एक बहुत अच्छी बात बताई कि इनके गाँव में, बलेड़ा गाँव में हमारा कार्यक्रम था, तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो सब लोग एक बैठ करके सारे अपने कार्यक्रम भी इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे ही सुबह शाम बैठ करके हुक्का पीते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, ये भाईचारा बना रहे, इसी की अपील, इसी की प्रार्थना, इसी की निवेदन करने के लिए हम आप सब के बीच में आए हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आप गांव वाले सब मिलकर के इस भाईचारे को कायम रखेंगे, बढ़ाए रखेंगे। जब भी निर्णय आएगा, दो दिन में, तीन दिन में, सबसे हमारी अपील है, पूरे गांव से अपील है, मुस्लिम समाज से अपील है, हिंदू समाज से अपील है कि हम भाईचारा बढ़ा के रखें। कोई बहुत बड़ा जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं, और कहीं विरोध में आता है तो कहीं कोई विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और, यदि आपको कोई लगता है कि हमारे गांव में आकर के इस प्रकार का कोई व्यक्ति काम खराब करना चाहता है, उसकी जानकारी आप SP साहब को दीजिए, प्रशासन को दीजिए। प्रशासन भी सचेत है, सरकार भी सचेत है और हम सब भी सचेत हैं, तो ही सब सारा काम ठीक ठाक रहेगा। हम निर्णय की प्रतीक्षा बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, निर्णय एक दिन आना ही है। जो भी निर्णय आए उस निर्णय को हमने स्वीकार करना है, उसके लिए कानून को हमने अपने हाथ में नहीं लेना। यही निवेदन आप सबसे।